हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दीपास किचन तड़का में। तो आज हम बनाएंगे मटर का ऐसा नाश्ता, कम टाइम में बनने वाली रेसिपी, कम तेल कम मसाला, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, और सुबह हो या शाम कभी भी आप बना सकते हैं, और चाय के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बाउल ताजा फ्रेश मटर, और इसे मैंने धो लिया है। मैंने इधर गैस पर चढ़ाया है पैन, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, और तेल को गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और जीरे को चटकने देंगे। और फिर इसमें डालेंगे 1/2 छोटी कटोरी चॉप किया हुआ प्याज, और बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्च, और इसे हल्का गोल्डन होने तक पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसलिए मैंने पहले डाल दिया है, ये तेल में अच्छे से पक जाएगी, और पकने के बाद इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और स्मेल भी नहीं करेगी। तो हल्दी अच्छे से पक चुकी है, तो अब हमें इसमें डालना है मटर, और फिर डालेंगे कटी हुई 1 छोटी कटोरी प्याज, और अब इसमें डालेंगे स्वाद बढ़ाने के लिए 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, और फिर इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम अच्छे से चला देंगे। और अब इसका ढक्कन लगाकर हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे, और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये ऐसी ही अच्छी लगती है। अगर आपको सादा नहीं पसंद है तो आप कोई भी अपना मनपसंद मसाला इसमें डाल सकते हैं। और ढक्कन हटाकर इसे हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन अच्छे से अभी ये नहीं पकी है। तो इसे हम ढककर और पकाएंगे। तो फिर से अब ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं, तो मटर हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका है, हाथों में एक दाना लेके तोड़कर इसे चेक कर सकते हैं। अगर मटर पक चुकी है तो आसानी से टूट जाएगी। तो इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कटोरी कटी हुई धनिया के पत्ते, और इसे हम अच्छे से चला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार है।